हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गैंग्स ऑफ रिट्रीवर्स। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा पीनट और ज़्यादा सा बटर डालकर पीनट और बटर के लिए होममेड डॉग फूड, जो टक्कर देगा किसी भी महंगे डॉग फूड को। अब हम बताएंगे ये खाना इजीली आप अपने घर पर डॉग्स के लिए कैसे बना सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स हैं स्वीट कॉर्न, ग्रीन बीन्स, पोटैटो, राइस, कैरेट, दाल, पम्पकिन यानी कद्दू, लौकी, फिश की जगह आप फिश ऑयल, चिकन या फिर मटन की बोन्स भी यूज़ कर सकते हैं। और यूजुअली अभी तक हम रॉयल कैनिन यूज़ कर रहे थे, बट कुछ अनअवेलेबिलिटी के कारण हमने इस बार NND ट्राई किया है, जो भी काफ़ी अच्छा फूड है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइस बना लीजिए। जब तक वो बने, तब तक हम फिश को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, या तो आप शॉप से भी कटवा कर लेकर आ सकते हैं। फिश इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो हेल्प करेगा आपकी डॉग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में। अब एक बाउल लेंगे, जिसमें हम सारी सब्जियां काटेंगे, जैसे बीन्स, आलू, बीटरूट, स्वीट कॉर्न एंड सो ऑन। पोटैटोज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो आलू बहुत ही अच्छा है आपके डॉग्स के लिए। आपकी डॉग्स की हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा, उसको मोटा करेगा, हेल्दी रखेगा। एंड बीटरूट, जिसे कहते हैं चुकंदर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन सी, मैग्नीज, पोटाशियम। पर ध्यान रखिए कि इसे अच्छे से वॉश कर लें और सारी डर्ट रिमूव कर दें। ये ब्लड सर्कुलेशंस को भी बहुत अच्छा रखता है और नया ब्लड जनरेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। न्यू ब्लड सेल्स बनते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका डॉग्स बहुत एक्टिव रहता है। स्वीट कॉर्न को ऐड करेंगे। स्वीट कॉर्न इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स फॉर हेल्दी स्किन एंड कोट। अब आती है लास्ट में पम्पकिन की बारी, यानी कि कद्दू। इसको हम इसके छिकल के साथ ही काटेंगे, क्योंकि इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। उनकी हेल्थ इसकी वजह से भी काफ़ी अच्छी होती है। इसको हम अच्छी तरह से काट लेंगे। 1/4 कद्दू आप एक टाइम पे इनको दे सकते हैं खाने में। इसको हम अच्छी तरह काट लेंगे और ये देखिए, हमारी बटर बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि कब खाना बने और ये चाव से खाए, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ मिलता है माँ का प्यार, जो कि इनकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो चाहे इंसान का बच्चा हो या जानवर का, माँ का प्यार तो सबके लिए ज़रूरी होता है। अब हमारा कद्दू कट चुका है, अब हम काट लेंगे गाजर। कैरेट हेल्प करता है बॉबल मूवमेंट के लिए, और ये माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी इसका बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये लो कैलोरीज, लो फैट ब्रीड है डॉग्स के लिए। कैरेट को हम एज अ 5-मिनट स्नैक्स के तौर पर भी डॉग्स को दे सकते हैं, उनको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब सारी सब्जियों को एक कुकर में डाल देंगे। इसमें पानी डालकर 2 स्पून हल्दी, क्योंकि हल्दी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एंटीबायोटिक, ये खाने में अच्छा फ्लेवर देती है। और थोड़ी सी सॉल्ट भी डाल देंगे, ताकि उन्हें खाने बिल्कुल फीका ना लगे। और ये फिश डालकर गैस पर 20 से 25 मिनट बॉईल होने के लिए रख दें। अब खाना हो चुका है तैयार, तो हम बाउल में कर लेंगे राइस। छोटा वाला बाउल बटर के लिए है और बड़ा वाला पीनट के लिए, क्योंकि बटर का आज फर्स्ट डे है इस डाइट का। वो अभी तक सेरेलेक और डॉग फूड वाली डाइट पर ही थी। ये हमारा बाउल में हमने चावल डाल दिए हैं। इसके बाद हम बाउल्स में डालेंगे NND डॉग फूड,
जैसे कि हमने ये वार्म वाटर में सोक किए थे, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम डाल देंगे दोनों बाउल्स में हमारी बॉइल्ड की हुई वेजिटेबल्स विद ग्रेवी। और ये सब्जियां बहुत ही गर्म हैं, तो आप भी ध्यान रखें कि सब्जियों को थोड़ा ठंडा कर लें राइस में मिलाकर। डॉग्स का भी मुंह जल सकता है, उनकी बहुत ही केयर करनी पड़ती है। अच्छे से सारी सब्जियों को डाल देंगे, फिश डाल देंगे उसमें। और फिश डालते हुए काटा निकालना ना भूले, क्योंकि अगर ये आपके डॉग्स के मुंह में लग गया तो उनका काटा लगा भी हो सकता है। अब इन सारी सब्जियों को करते हैं मैश अच्छी तरह, जिससे राइस में भी वेजिटेबल्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ऐसे ही आप भी अपने डॉग्स के लिए प्यार से खाना बनाएं और उन्हें प्यार से खिलाएं, जिससे उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहे आपके प्रति। जैसे हमारी मम्मा ने उनके लिए खाना बनाया है, जैसे वो रोज़ ही खाना उनके लिए बहुत ही प्यार से बनाती हैं। और ध्यान रखिए कि उनके बाउल्स को बिल्कुल साफ़ रखें, ताकि उन्हें कोई डिजीज़ जल्दी से नहीं लग सके। डॉग्स किसी भी बिना शर्तों के प्यार करना सिखाते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में डॉग है तो आपके पास आपकी ज़िंदगी कभी बुरी नहीं हो सकती। और ये खाना अच्छे से मैश करके हम अपने डॉग्स के को सर्व करेंगे उनकी फेवरेट जगह छत पर। तो खाना बन चुका है, रेडी है, बाउल बिल्कुल साफ़ करके उन पर खाना दिया है। तो अब खाना देंगे पीनट बटर को, और आप देख सकते हैं कि पीनट कितने चाव से खाना खा रहा है, कितने चाव से खाना खा रहा है। और आप खुद ही देख सकते हैं कि घर पे बना हुआ खाना इज़ द बेस्ट, होम मेड डॉग फूड इज़ द बेस्ट डॉग फूड। और अब तक इसी रेसिपी को अपनाकर हमने रिजल्ट्स खुद देखे हैं कि फ्रेश वेजिटेबल्स का खाना खाकर पीनट की बॉडी ग्रोथ एंड हेयर ग्रोथ दोनों ही बेस्ट हो रही हैं। और अभी तक इसी खाने की वजह से हमें वैक्सीनेशन के अलावा कभी डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, होपफुली आगे भी ना पड़े। सो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी अपने डॉग्स के लिए, और रिजल्ट्स हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आगे। और अब यूजुअली ये दोनों खाना खाकर सो रहे हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल के सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।